आप देख रहे तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। धोखाधड़ी और ठगी के मामले के जांच के सिलसिले में स्टेट साइबर सेल जबलपुर से नोएडा भेजे गए 2 सब इंस्पेक्टर और 1 कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों पर आरोपी के साथ लेन देन और विवाद करने के आरोप है। पकड़े गए तीनों पुलिस कर्मियों को दिल्ली अदालत के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। स्टेट साइबर सेल जबलपुर में पदस्थ सब इंस्पेक्टर पंकज साहू, सब इंस्पेक्टर राशिद खान, आरक्षक आसिफ और आरक्षक विजय धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले की तफ्तीश करने के लिए नोएडा गए थे। 18 दिसंबर को आरोपी सूर्यभान यादव से पूछताछ कर इन तीनों पुलिसकर्मियों एसआई पंकज साहू, राशिद खान और आरक्षक आसिफ ने आरोपी सूर्यभान यादव का अकाउंट सीज न करने के एवज में 4,70,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस रिश्वत की रकम के लेन देन के दौरान ही आरोपी और इन तीन पुलिसकर्मियों के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें आरोपी सूर्यभान यादव ने इन दोनों सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली थी। दोनों सब इंस्पेक्टर ने इस बात की सूचना जबलपुर स्टेट साइबर सेल में भेजी थी। इधर आरोपी सूर्यभान यादव ने दिल्ली पुलिस में इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट और रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच की, जिसमें इन तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच सही पाई गई है। इस पर दिल्ली पुलिस ने सब इंस्पेक्टर पंकज साहू, राशिद खान और आरक्षक आसिफ को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दिल्ली जेल भेज दिया गया है। इस मामले में आरक्षक विजय को निर्दोष पाया गया। दिल्ली पुलिस ने पूरी जानकारी मिलने के बाद स्टेट साइबर एडीजी एसआई मनोहर ने तीनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। क्या पूरा मामला? यहां से टीम भेजी गई थी, जिनमें कि राशिद खान, कांस्टेबल विजय, एसआई पंकज साहू और एसआई आसिफ अली थे। ये लोग वहाँ पर अपराध और कुछ शिकायतों की तस्दीक के लिए गए थे। 18 तारीख को अपने ऊपर चला कि नोएडा में इनके साथ पिस्टल छीन ली गई है झूमा झटकी के दौरान। इस चीज़ से वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत भी कराया गया। बाद में जब दिल्ली पुलिस से समन्वय स्थापित किया गया और दिल्ली पुलिस ने जब डिटेल जाँच करी, तो उसमें पता चला कि वहाँ पर ये जो अनावेदक था, उससे किसी प्रकार की लेन देन में इन्वॉल्व थे। तो जब ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और नोएडा पुलिस से भी आई, तो राशिद खान सब इंस्पेक्टर, पंकज साहू सब इंस्पेक्टर और आसिफ अली, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। जो आरक्षक विजय थे, इनकी कोई संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई। ये भी टीम में थे बट कोई संलिप्तता नहीं थी, तो इनको फिर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये वैसे तो अपराध लेके गए थे, जिसमें कि कुछ आरोपी पकड़ लिए गए थे पहले और कुछ लोगों के खातों की तस्दीक करनी थी और बाकी कुछ इनके पास शिकायतें थी। पर्टिकुलरली ये जो शिकायत की बात हो रही है, इसमें एक 55,000 का मामला था, जिसमें रोजी पे नाम का ऐप था, उसमें ये अनावेदक के खाते के संबंध में जानकारी वहाँ पे जुटा रहे थे। क्या तीनों को यहाँ ला के पूछताछ और की जाएगी? फिलहाल तो पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो जाँच चल ही रही है, वहाँ पर फिलहाल वो न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिए गए। तो सर, ये भी कहा जा रहा है कि बिटकॉइन से इन्होंने कुछ पैसे भी लिए थे पहले, इस विषय में बिल्कुल अपने पास पुष्ट जानकारी नहीं। दिल्ली पुलिस द्वारा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा बताया गया था। सर, किस मामले की जानकारी डिटेल?